राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने पर अपनी घोषणा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश के तहत शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि अपने फैसले पर सोचने के लिए उन्हें 2 से 3 दिन का वक्त चाहिए। इस बीच मीडिया की खबरें ये भी हैं कि अगर शरद पवार नहीं माने तो सुप्रिया सुले पार्टी की कमान संभाल सकती हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को शरद पवार के संदेश का अवगत करते हुए उनके भतीजे अजीत पवार ने रंगापा पदाधिकारियों से भी आग्रह किया कि वे शरद पवार के इस अप्रत्याशित फैसले के विरोध में अपने पदों से इस्तीफा नहीं दें। अजीत पवार ने यहां यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान के परिसर में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि शरद पवार ने कहा है कि उन्होंने फैसला कर लिया है, लेकिन आपके आग्रह पर इस पर सोचने के लिए उन्हें 2 से 3 दिन का वक्त चाहिए। हालांकि इस बारे में तभी सोचेंगे जब सभी कार्यकर्ता अपने अपने घर लौट जाएंगे। रंगापा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उस स्थान से जाने से इनकार कर दिया जहां शरद पवार ने दीन में अपनी आत्मकथा को संबोधित संस्करण के विमोचन के दौरान यह घोषणा की थी। पवार ने अपने आवास के लिए रवाना हो जाने के बाद भी पार्टी कार्यकर्ता वहां से नहीं गए। शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद खाली होने पर इसके लिए चुनाव का फैसला करने के लिए एनसीपी नेताओं की एक समिति बनाने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि समिति में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होने चाहिए जिनमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, के शर्मा, पीसी चाको, अजीत पवार, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, छगन भुजबल, दिलीप वालसे पाटिल, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, जितेंद्र औहड़, हसन मुशरफ, धनंजय मुंडे और जयदेव गायकवाड़ शामिल हैं। साथ ही शरद पवार ने कहा कि इनमें पदेन सदस्य फौजिया खान, धीरज शर्मा और सोनिया दुहन भी होने चाहिए।